पेठा नया पेठा आया, मैंने इसको भी धोया है, धो के रख दिया है, पुराना इतना सा बचा है। तो खाना तो हम खा चुके हैं काफ़ी, एक घंटा तो लिया होगा खाना खाए, डेढ़ घंटा हो गया होगा। मैं सोच रही हूँ पेठे का जूस बना के रात को पी लिया जाए, सुबह तक उसका असर हो जाएगा, क्योंकि रात को तो कोई खाना दोबारा खाएगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसका पेठे का ना जूस बनाने वाली हूँ, इसको काटने लगी हूँ। पहले इसको काटूंगी, उसके बाद उसको काटूंगी, और उसके बाद मैं अपने जूस बनाऊंगी। कौन कौन पिएगा ये सब कुछ डिपेंड है, इसके पापा पिएंगे कि नहीं, साथी पिएगी नहीं, वो उन पर मर्जी है, पर मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। ठीक है, क्योंकि मैं तो पीऊँगी, क्योंकि एक दिन का भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए ना। तो अच्छा है कि रात को पी के सो जाओ, खाना खाने के एक डेढ़ घंटे बाद पी के सो जाओ, सवेरे आराम से उठोगे तो आराम से अपना असर कर चुका होगा। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ये देखिए, इस समय मैं दोपहर का खाना ही बना रही हूँ, मसाले तैयार हैं सारे, ये रखे हुए मसालों का डब्बा, ये पेठा है, पेठा है जो होता है ना, इसका पानी निकाल के हमने यूज़ कर लिया था, तो इसका जो गुदा है ये सारा इस साइड का ये पड़ा है, इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। पर इससे पहले मैंने इसका बनाया था हलवा, वो ख़त्म हो गया, कल ही ख़त्म हुआ है। और अब मैं इसकी परांठी बनाऊँगी, पेठे वाली परांठी, तो इसमें हम इसको यूज़ करेंगे। प्याज है, हरा धनिया और दो हरी मिर्चें हैं, बेसन डालूँगी एक कटोरी, और ये है आटा। अब इसमें सारा सामान मैं इसके अंदर डाल दूँगी, उससे पहले हम बेसन ही डाल देते हैं। ठीक है, बेसन डल गया, फिर डल गया हमारा धनिया, इसको आटे के साथ ही सब गूंद लेंगे, फिर डलेगा हमारा प्याज। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये पेठा जितना ज़रूरत है उतना थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के ऐड करते रहेंगे, मतलब खुद में पानी की ज़रूरत होगी तो पानी यूज़ करेंगे, जैसे पेठे में ही बहुत पानी होता है। ठीक है, बाकी डालेंगे नमक मिर्च मसाले, ये लिए आ गया जी नमक स्वादानुसार, नमक चमक डाल देते हैं। वो पहले बड़ी वाली हरी मिर्च डाली थी, इसलिए ये मैं लाल वाली डाल रही हूँ, वो हरी वाली बड़ी थी, वो कड़वी नहीं होती। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा अजवाइन तो डालनी है, पेट ख़राब नहीं होगा। और जीरे का टेस्ट तो वैसे ही मैं जीरा कई चीज़ों में डालती हूँ, जीरा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक थोड़ा और डाल देते हैं, नमक ना कम रह जाए, ठीक है, स्वाद नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, बस अब इसको सारों को मिक्स कर लेते हैं, और इसके साथ ये पेठा डाल के देखते हैं कितना डलता है, जितना डल पाएगा उतना डाल के आटा गूंद लेते हैं। कुछ मिक्स कर लिया इसके अंदर, ठीक है, अब हम पेठा डालना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना डलेगा। पेठे का पराठा फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं बनाया है, इसको भी तो यूज़ करना ही था ना कहीं ना कहीं, जितना देखते इतना डाल दूँ, कल ज़रूरत ही जो डालेंगे, इसी का सारा इसके अंदर आटे में मिक्स करेंगे। इसके अंदर खुद का ही पानी है, जबकि जब मैंने पानी जोड़ा भी हुआ है फिर भी खुद का पानी है। ठीक, देखिए अच्छे से, सारा आटा सूखा नहीं रहना चाहिए ना, सारे आटे में इसका फ्लेवर आना चाहिए। काफ़ी बड़ा हुआ ना, तो उसको यूज़ तो करना ही है ना, मुझे कहीं तो यूज़ करना है, फेंकने का तो मेरा सब्जी भी पेठे की बनती है, पर वो सब्जी तो फिर टुकड़ों में काट के बनती है ना, इसकी नहीं बनती है। थोड़ा और डलेगा, अच्छा इसी पानी मेरा ख़त्म होगा, और डाल दिया मेरे ख्याल से आधा तो मेरा ख़त्म हो गया, बाकी आधा रह गया। इतना मैक्सिमम इसमें खप जाए उतना ही अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा फिर। ठीक है ना, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, हल्का बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ेगी आटा गूंदने में। काफी आटा बांधना के लिए ध्यान रखिएगा, देखते हैं पराठे बना के इसके कैसे बनते हैं, जैसे आलू के बनते हैं, गोभी के, मूली के, सबके बनते हैं ना, तो चलो जी आज पेठे के पराठे बनाएंगे, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ठीक है, काफी इसके अंदर डाल दिया मैंने, थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लेते हैं, काफ़ी ऐड कर लिया। ठीक है ना, इतना ऐड हो गया कि इसका देखिए इस तरह से ये भी बन गया। चलो पानी थोड़ा डाल के भूंज लेती हूँ, बस मेरा आटा तैयार है सारा, देखिए कितना सारा बन गया आटा। मैं रोटी बनानी स्टार्ट करने लगी हूँ, इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी करवाया मैंने, और इसमें सारा पेठा जितना वो पूरा डूंगा भरा था सारा ही लग गया। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आटे को भूंदा, बहुत थोड़ा पानी यूज़ हुआ है क्योंकि पेठे में अपना पानी होता है। तो बस पहले मैंने पेठे को अच्छे से सारे पेठे को इसमें मिक्स कर लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा पानी डाल के आटा गूंद लिया, 5-7 मिनट का रेस्ट भी करा दिया। अब परांठी बनानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी बनती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, बताते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए दो परांठियाँ बन रही हैं, इसके पापा की परांठी में मैं घी लगाऊँगी। ठीक है,
क्योंकि वो और मैं और स्वाति बिना घी वाली खाएंगे। तो ये परांठी में एक दिक्कत है कि ये ना बार बार टूट रही है, इसके लिए मैंने सोचा कि इसको हम मक्की की रोटी की तरह ही बनाएंगे, जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं। मैं भी मक्की की रोटी की तरह भी अभी ये तो सिंपल बनाई थी, अभी मक्की की रोटी की तरह मैं यहाँ पे पन्नी लगा के इसका पेड़ा रख के ऐसे परस करके बनाती हूँ, तो उससे नहीं टूटेगी, उससे निकालनी भी आसान हो जाएगी। थोड़ा थोड़ी टूटती है, ज़्यादा नहीं, निकाल देना थोड़ी टूट जाती है। आटा थोड़ा सा चिपचिपा सा है, तो बस कोई बात नहीं, पर बन तो गई हैं रोटियाँ। ये देखिए सिंपल ही बनाई है मैंने बिना उसी पॉलीथीन के, तो ये भी बन गई हैं। चलो मैं बाकी की भी बना लेती हूँ, फिर खा के टेस्ट करके बताएंगे। यस, 6-7 बन चुकी हैं, तो घी लगा लूँ मैं। 5 परांठियाँ घी वाली बनेंगी, बाकी जो है 3 और 2 5 या 6 बनेंगी बिना घी। ठीक है, तो मैं बना रही थी घी वाली बन गई है। ठीक है, और अब देखिए मैं इस पर कैसे कर रही हूँ। इसको पन्नी लगा रखी है, इसको थोड़ा सा एक चम्मच ऐसे घी पिलाया, तो यह ना टूट जाती है, अगर नॉर्मल बेलोगे तो आप टूट जाएगी। इसका आटा थोड़ा चिपचिपा सा ही है, मैंने कहा एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए पेड़ा लिया, पेड़ा है, थोड़ा आटा चिपचिपा सा है क्योंकि इसमें पेठा मिक्स है ना बहुत ज़्यादा। ये हमने इसको धूड़ा लगा के इस तरह कर लिया। मैं मक्की की रोटी भी ऐसी बनाती हूँ, पन्नी लगा, ठीक है, क्योंकि वैसे हाथ से कई लोग करते हैं वो मेरे से होती नहीं है। इस तरह से हमने इसके ऊपर पेड़ा रखा, इसे आराम से निकल जाती है, टूटती नहीं है, इसलिए पन्नी लगाई है। जैसे मक्की की रोटी भी टूटती है ना, तो इसे नहीं टूटती। हाँ, तो अब इसके ऊपर हम बेलेंगे, बिल भी आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसको घी लगा हुआ है। और हाथ से हम ऐसे ऐसे भी इसको कर सकते हैं, प्रेस करके भी बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है ना, जितना बेल के हो जाए, जितना बेल के कर लो, बाकी इसको थोड़ा हाथ से कर लो। अगर आपको लगे कि इसके कोने थोड़े मोटे हैं, तो आप आराम से इसको हाथ से कर सकते हो। ये देखिएगा बन गई है, तो बस अब मैं इसको ऐसे करके ना ऐसे करके निकाल दूँगी, बस आराम से हाथ में आ जाएगी। पर अभी तवे पे दो रोटियाँ पड़ी हैं, इसलिए इसको इस पर ही रख देती हूँ। ठीक है, तो तवे वाली रोटी देख लेती हूँ मैं, आपकी वो तवे वाली बन जाएगी, फिर डालूँगी उसके ऊपर। ये देखिए घी लगा रही हूँ, ये 5-8 परांठे का घी वाले बना रहे होंगे। ठीक है, बस ऐसे करके इसको निकाल लूँगी मैं, ऐसे करके आराम से हाथ पे ले लूँगी, इस तरह से आराम से सारी बन। व्यूअर्स, मेरे सारे परांठे बन चुके हैं, देखिए अभी मैं इसको अंदर रख देती हूँ। अब मैं खा के देखती हूँ कैसे बने हैं। दही में मैंने फ्लैक्स सीड और काला नमक और चाट मसाला डाला है, क्योंकि क्या होता है कई बार परांठों में थोड़ा हल्का नमक होता है, तो फिर बैलेंस सही हो जाता है, सॉफ्ट बने हैं। फिर मैंने अपने मेरे एक साइड घी लगा, एक साइड नहीं लगा, फिर भी सॉफ्ट है और स्वाद लग रहे हैं। इसका मतलब पेठे से परांठे भी बनाए जा सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए, कुछ दिन पहले संजीव कपूर की वीडियो देखी थी मैंने, तो वो कह रहे थे मैं भी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि इससे कुछ और बन जाए, इसका जो गुद्दा होता है उसको फेंकना ना पड़े, उससे कुछ बन जाए। तो फिर मैंने सोचा वो परांठे ही ट्राई करेंगे, पर उन्होंने शायद अभी तक किए नहीं हैं, तो मैंने कर लिए परांठे ट्राई और बिल्कुल सही बने हैं। तो यानी कि आप पेठे का जूस निकाल के पीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसका जो वो गुद्दा बचता है, उसको गुद्दे को हलवा बना लीजिए, कभी आप परांठों में डाल के परांठे बना दीजिए, इस तरह से आप उसका गुद्दे को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस उसके बीज और छिलका फेंकना, बाकी सारा आप उसका पेठे का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो मैं अपनी परांठी खाऊं, मुझे बहुत लालच आ रहा है, टेस्टी है।